बांसवाड़ा घाटोल से नियामक रिपोर्ट के अनुसार प्रेस विज्ञापित कोरोना वैक्सीन की मात्रा बढ़ाने को लेकर जनजातीय सौराज संगठन ने की मांग। वाग्धारा संस्थान एवं जनजातीय सौराज संगठन चंदू का गढ़ा के तत्वाधान में आज उपखंड अधिकारी को कोरोना वैक्सीन की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसके अंतर्गत संगठन के पदाधिकारी मोहनलाल लक्ष्मणलाल मैडा एवं देवीलाल कलासुआ के द्वारा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई कि आदिवासी समुदाय जो कोरोना जैसे महामारी में एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करते हैं, संगठन के द्वारा कोरोना की जागरूकता को लेकर भी अच्छे प्रयास किए गए हैं, परंतु अब सेकेंड डोज को लेकर उन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसे तो इसकी मात्रा बढ़ाई जाए। संगठन की गत माह की बैठक में सामूहिक मुद्दा आया कि कोरोना महामारी के टीकाकरण को लेकर लोगों ने प्राथमिकता से पहले डोज तो लगवा ली है, परंतु जब वे दूसरी डोज लगवाने जाते तो वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाती, जिस हेतु उन्हें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। कोरोना की तीसरी लहर में कहा जा रहा है कि बच्चों को खतरा होगा, जिस हेतु परिवार में सभी को सुरक्षित होना जरूरी है, जिसके लिए टीकाकरण आवश्यक है, परंतु टीके की मात्रा पर्याप्त नहीं होने के कारण समुदाय में अधिक मात्रा में लोगों को दूसरी डोज के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को प्राथमिकता देते हुए जनजातीय स्वराज संगठन चंदू का गढ़ा ने इस समस्या हेतु ज्ञापन तैयार किया और वाग्धारा के क्षेत्रीय अधिकारी मुकेश सिंघल एवं जनजातीय स्वराज संगठन सहयोग माही के इकाई प्रबंधक हेमंत आचार्य ने मिलकर उपखंड अधिकारी से बात करते हुए इस समस्या को रखा एवं जनजातीय स्वराज संगठन चंदू का गढ़ा के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी से ज्ञापन सौंपते हुए इस समस्या से उन्हें अवगत कराया।